नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज दूसरा दिन खत्म हुआ इब्राहिम राइसी की पाकिस्तान विजिट का। कल के दिन में ईरान और पाकिस्तान के बीच 8 अलग अलग एमओयू साइन हुए थे, जिसमें से एक रमीदान गार्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पर भी एमओयू साइन किए गए थे। अब ये ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगता है और वहां पर दोनों कंट्रीज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा ताकि दोनों ही कंट्रीज के वो बिजनेसेस हैं वो आपस में आसानी के साथ ट्रेड कर सके और आ जा सके। तो उसके चलते कल एक एमओयू साइन हुआ था जिसकी काफी ही चर्चा हो रही है और आज इब्राहिम राइसी यानी कि इरानियन प्रेसिडेंट अपने डेलीगेशन के साथ कराची पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने सुबह में इच्छा व्यक्त की थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उन लोगों से वो डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, वो एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि कराची ज्यादातर जो स्ट्रीट्स थी, जो भी रोड्स थे, उन सभी जगहों पर कर्फ्यू जैसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई। अब अगर बात करें कराची की तो वो बलूचिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है और वहां पर भी परिस्थितियां काफी ही सेंसिटिव हैं, काफी ही डेलिकेट हैं, जिसके चलते पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहां पर कर्फ्यू जैसी परिस्थितियां कड़ी कर दी थी और ज्यादातर स्ट्रीट्स को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं हो पाई। लेकिन इब्राहिम राइसी यानी कि इरानियन प्रेसिडेंट ने यह जरूर कहा कि उनको घर जैसी फीलिंग ही आ रही है। तो अगर बात करें इब्राहिम राइसी की या ईरानियन रिजीम की या पाकिस्तानी रिजीम की, तो दोनों ही रिजीम आतंकवाद को पैदा करने वाली रिजीम्स हैं, उन लोगों की माए हैं, उन लोगों के माए बाप हैं। तो उसी के चलते इन दोनों रिजीम्स को पता है कि एक दूसरे को कैसे ट्रीट किया जाए, उनको किस चीज में खुशी हो सकती है, क्योंकि दोनों की जो मेंटालिटी है, जो साइकोलॉजी है, हम आम इरेनियंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इरेनियन रिजीम की, जिसमें इब्राहिम राइसी आ जाता है, जिसमें आयतुल्ला खुमेनी आ जाता है, जिसमें आईआरजीसी आ जाता है, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की। तो उन लोगों की और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई और यहां तक कि शहबाज शरीफ की जो मेंटालिटी है वो आतंकवाद को पैदा करने की और बढ़ावा देने की है, ताकि उस आतंकवाद का उपयोग कर वो लोग दूसरे देशों में विकट परिस्थितियां खड़ी कर सके, जिस तरह से ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जिसमें हिजबुल्ला, हमास, हुतीज और अन्य कई ऐसी प्रॉक्सीज आ जाती हैं, वे लोग इसराइल को हाल में परेशान कर रहे हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी उस तरह के कई सारे आतंकवादी संगठन हैं, जिसमें लश्करे तोयबा आ जाता है और उस तरह की ऐसे कई अन्य आतंकवादी संगठन आ जाते हैं। तो उन दोनों ही रिजीम्स को पता है कि किस तरह से एक दूसरे को ट्रीट किया जाए, ताकि जो भी गेस्ट है, जो सेम माइंडसेट वाले हैं, उन लोगों को घर जैसा फील हो। तो उसी के चलते हो सकता है कि शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने उसी प्रकार के अरेंजमेंट करके रखे हो, ताकि इब्राहिम राइसी को भी घर जैसी फीलिंग आए। तो इन सभी के चलते आज के दिन में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बस वो लोग साथ में मिले, बिरयानी खाई और ये कुछ स्टेटमेंट दिए। कल का दिन आखिरी है इब्राहिम राइसी की विजिट का, तो देखना होगा कि क्या और अन्य डेवलपमेंट्स होते हैं और किस तरह से पाकिस्तानियों के लिए ये जो इरेनियन प्रेसिडेंट की विजिट है और इरेनियन डेलीगेशन की विजिट है, जो डेवलपमेंट की बात करने के लिए आए हैं पाकिस्तान, उन लोगों की वजह से इनकन्वीनियंस क्रिएट होती है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, नीचे कॉमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।